हेलो एवरीवन माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू ऊप् विद जावा सीरीज एंड इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड हाउ इट इज़ यूजफुल ठीक है तो एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल एक कार की ठीक है तो आई होप कि यार आप सब ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में कार को ड्राइव किया होगा करेक्ट तो कार में क्या होता है अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू की बात करें कार के नीचे ना तीन पैडल्स होते हैं करेक्ट आपके पास क्या होता है तीन पेडल्स होते हैं ठीक है एंड दिस इज़ फॉर क्लच दिस इज़ फॉर ब्रेक एंड दिस इज़ फॉर एक्सीटर करेक्ट जब आप इस एक्सीटर को दबाते हो तो क्या होता है आपकी गाड़ी चलती है जब आप इस ब्रेक को दबाते हो तो आपकी गाड़ी रुक जाती है करेक्ट एंड जब आप इस क्लच को दबाते हो तो बेसिकली आप गियर चेंज कर सकते हो ठीक है आपको एज अ यूज़र आपको ये पता है कि ठीक है यार अगर मुझे गियर चेंज करना है मैं क्लच दबाऊंगा रोकना है तो ब्रेक दबाऊंगा एक्कीटर दबाऊंगा तो मेरी गाड़ी भागेगी बट इसके पीछे ही कुछ हो रहा है करेक्ट इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लगी हुई है कि जब आप इसको दबाते हो समथिंग हैपन्स करेक्ट यहाँ पर कुछ मैजिक होता है क्या आपको पता है वो क्या मैजिक होता है नहीं राइट एज अ यूज़र आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए या ठीक है मेरे पास ये तीन पेडल्स हैं इनको कैसे यूज़ करना है बैक एंड में लाइक व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीस थ्री हमें नहीं पता करेक्ट तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन ठीक है एब्स्ट्रैक्शन तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है किसी हमने जितनी भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन थी ना जो हमारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन थी हमने उसको क्या कर दिया हाइड कर दिया हमने हमने यूज़र से हाइड कर दिया कि भाई तुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन जो एसेंशियल था ठीक है जो एसेंशियल था उसको हमने क्या किया एक्सपोज कर दिया इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द शोइंग ओनली दी एसेंशियल थिंग्स ठीक है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो हर एक चीज़ ये एब्स्ट्रैक्ट है करेक्ट आप आप जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो करेक्ट आपको बस ये पता है यार प्लस पे क्लिक करूँगा तो मैं एक न्यू पोस्ट डाल सकता हूँ अगर मैं लाइक करूँगा तो बेसिकली वीडियो लाइक हो जाएगी एंड सिमिलरली यू हैव कॉमेंट बट बैक एंड क्लाउड पे होता क्या है यू डोंट नो करेक्ट आपको नहीं पता और आपको पता होना भी नहीं चाहिए करेक्ट तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं या ये चीज़ें आपसे एब्स्ट्रैक्ट है या आपसे हाइड की गई हैं आपको सिर्फ उतनी ही डिटेल दिखाई गई है जितनी आपको चाहिए इंटरनल इम्पलीमेंटेशन सब आपसे हिडन है इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन एक और एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही सिंपल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है आपके घर में आपने स्विच बोर्ड पक्का देखा होगा करेक्ट क्या चीज़ एक स्विच बोर्ड ठीक है तो स्विच बोर्ड में क्या होता है बेसिकली आपके पास कुछ प्लग्स होते हैं करेक्ट आपके पास एक रेगुलेटर होता है फैन के लिए देन आपके पास एक लाइक प्लग करने के लिए एक सॉकेट होता है करेक्ट ये एक स्विच बोर्ड होता है आपको सिर्फ इतना पता है या जब मैं इस बटन को दबाऊंगा ना तो लाइट्स जो है ना वो ऑन ऑफ होंगी अगर मैं इस रेगुलेटर को ट्विस्ट करूंगा है ना टर्न करूंगा तो मेरा फ़ैन या तो स्लो हो जाएगा या फिर फास्ट हो जाएगा करेक्ट लेकिन इसके पीछे कौन सी वायर लगी हैं वायर कैसे जा रही हैं कितने वोल्ट की वायर है कितने एम की वायर है क्या वो चीज़ें आपको पता है ऑब्वियसली नहीं ठीक है वो चीज़ें इलेक्ट्रिशियन को पता है तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया इसके पीछे जितना भी काम धाम है जितनी भी वायरिंग है उसको तो आपसे कर दिया एब्स्ट्रैक्ट ठीक है वो आपसे क्या है एब्स्ट्रैक्ट लेकिन जो भी एसेंशियल चीज़ थी वो आपको क्या कर दी एक्सपोज करेक्ट तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन तो एब्स्ट्रैक्शन कोड में कैसे काम आते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं जितनी भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है हम उसको तो कर देते हैं हाइड ठीक है हम उसको क्या करते हैं हाइड कर देते हैं जो एसेंशियल होता है हम उसको एक्सपोज कर देते हैं करेक्ट एक अब एक कोड का एग्जाम्पल लेते हैं कैसे तो अगर हम इसको इरेज कर देते हैं करेक्ट हम कार uh, का ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं सपोज आपके पास एक क्लास है कार ओके okay? आपके पास क्या है क्लास कार करेक्ट तो आपके पास क्या है एक क्लास है कार ठीक है उसके बाद इस कार को ना लेट से इनहेरिट कर रहा है ठीक है अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो इनहेरिटेंस की सो आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो जाकर देखें ओके okay, कार उसके बाद एक काम करते हैं इनहेरिट करते हैं सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है एक किया ठीक है हमारे पास एक क्लास है बेसिकली किया हमारे पास एक और क्लास है लेट uh, से टोयोटा राइट right? एंड एक और ले लेते हैं लेट से हमारे पास एक और क्लास है महिंद्रा ओके okay. तो इन्होंने इसको इनहेरिट कर लिया करेक्ट अब कार का जो इंजन है जैसे कार का जो इंजन स्टार्ट होता है वो एक इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है करेक्ट आपको सिर्फ इतना पता है यार मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है तो बस मैं चाबी लगाऊंगा और घुमाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है तो हम क्या करेंगे तो हम इस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे क्या बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिसका नाम क्या होगा स्टार्ट इंजन करेक्ट स्टार्ट इंजन इस फंक्शन को किया अपने अकॉर्डिंग बनाएगी करेक्ट बिकॉज किया का अपना इंजन है अपना एक टेक्नोलॉजी है टोयोटा अपनी तरफ से बनाएगी एंड जो ये है दी महिंद्रा वो अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कर देगी तो इसका एक अलग तरीका होगा इंजन को स्टार्ट करने का इसका अलग होगा एंड इसका अलग होगा उसके बाद ये क्लासेस क्या करेंगी एक फंक्शन एक्सपोज करेंगी स्टार्ट सिंपल एक स्टार्ट ठीक है ये क्या होगा पब्लिक फंक्शन होगा स्टार्ट तो यूजर क्या करेगा अगर वो एक किया का ऑब्जेक्ट बनाता है लेट्स से यूजर बोलता है किया के इक्वल्स टू न्यू किया करेक्ट तो उस यूज़र क्या करेगा यूज़र क्या बोलेगा के डॉट स्टार्ट एंड उसको क्या पता है मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन स्टार्ट इंजन के अंदर क्या कोड लिखा है कैसे स्टार्ट हो रही है क्या हो रहा है बैक एंड में हमें नहीं पता तो इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन तो हमने क्या किया एसेंशियल चीज़ों को तो एक्सपोज कर दिया इसको तो हमने पब्लिक कर दिया राइट लेकिन जितने भी ये फंक्शंस होंगे जो बेसिकली एब्सट्रैक्ट होकर इनहेरिट हो रहे हैं इसको हम क्या बोल देंगे प्राइवेट और ये हम यूज़र को नहीं दिखाएंगे तो ये क्या हुआ हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन ठीक है तो दैट्स हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स तो अब हम देखते हैं कि एप को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कोड में तो देखते हैं यार एप हम कैसे कर सकते हैं हमारे कोड में ठीक है तो सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले क्लास बनाने वाला हूँ कार करेक्ट कार एक कार की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं वट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार ऑब्वियसली एक कार का एक मॉडल हो सकता है ठीक है तो मैं आता है ये चीज़ें हमने पहले भी की हैं कोड में बहुत बार कार का मॉडल हो सकता है कार का मेक हो सकता है करेक्ट एंड लेट्स से कार का क्या है प्राइस है ठीक है एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ मेम्बर्स होंगे सॉरी uh, कुछ फंक्शन होंगे कुछ मेथड्स होंगे तो हम उसी मेथड की बात करने वाले हैं जो हमने अभी बोर्ड पर समझा दैट इज स्टार्ट इंजन ठीक है तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ आल से एबस्ट्रैक्ट ठीक है एक्सेस मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट एंड आल से वॉइड एंड आल से स्टार्ट इंजन तो हमने क्या किया एक फंक्शन बनाया स्टार्ट इंजन करेक्ट एंड यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सी वॉट हैपन्स अगर हमें क्या करना होता है इस क्लास को भी एब्सट्रैक्ट करना होता है ठीक है अगर आप किसी क्लास में किसी एब्सट्रैक्ट मेथड को डाल रहे हो तो वो पर्टिकुलर क्लास भी क्या होनी चाहिए एब्सट्रैक्ट अब इससे होगा क्या अगर तुमने क्लास को एब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना अगर मैं इस कार को ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करूंगा ठीक है आई एज ए कार आइज ए माई कार इक्वल्स टू न्यू कार तो सी क्या वॉट हैपन्स तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ यहाँ पर एक ओवर आया वो बोल रहा है अगर तुमने कार का अगर तुमने कार का ऑब्जेक्ट बनाना है तो भाई स्टार्ट इंजन को ओवर करना ही पड़ेगा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है एरर आएगा क्या तुम इसको ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते बिकॉज वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ठीक है तो अब समझते हैं क्यों बिकॉज सी हमने क्या किया एक कार बनाया एब्स्ट्रैक्ट ठीक है जिसके अंदर कुछ हमारे पास लाइक डेटा मेंबर्स हैं मॉडल मेक प्राइस एंड हमारे पास एक फंक्शन है स्टार्ट इंजन अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ आल से क्लास ठीक है हमारे पास तीन कंपनी की कार्स होंगी एक तो होगी किया तो ये क्या करेगी एक्सटेंड्स कार बिकॉज किया क्या है कार ठीक है उसके बाद मैं एक और क्लास बनाने वाला हूँ लेट से हमारे हमने एक और क्लास बनाई एंड हमने बनाया टोयोटा ठीक है टोयोटा एक्सटेंड्स ये भी क्या करिए कार अब एक चीज़ देखो जैसे ही मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ना एक एरर आ रहा है ठीक है एरर क्या बोल रहा है क्लास किया ठीक है मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्सट्रैक्ट मेथड स्टार्ट इंजन तो वो क्या बोल रहे हैं यार अगर तुम कार को एक्सटेंड कर रहे हो ना तो यार स्टार्ट इंजन वाला फंक्शन तो होना ही चाहिए विच इज़ ठीक है ना कोई कार स्टार्ट इंजन के बिना कैसे हो सकती है तो मैं क्या करने वाला हूँ आई एल से वॉइड ठीक है स्टार्ट इंजन स्टार्ट इसको कॉपी कर लेते हैं सो आई से वॉइड स्टार्ट इंजन तो अब अब क्या होगा वो एरर चला गया तो हमने क्या किया एक स्टार्ट इंजन फंक्शन बना लिया करेक्ट हमने एक स्टार्ट इंजन बनाया इसके अंदर लेट से एस आउट कर देते हैं ठीक है तो स्टार्टिंग इंजन ऑफ किया ठीक है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें भी हम सेम चीज करेंगे सो एल से वॉइड स्टार्ट इंजन करेक्ट स्टार्ट इंजन एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं एस आउट तो आइल से स्टार्टिंग इंजन ऑफ ऑफ टोयोटा करेक्ट टोयोटा करेक्ट तो अब हमने क्या किया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जिसको हमें ओवर करना पड़ा नॉट ओवर राइड बेसिकली इंप्लीमेंट करना पड़ा ठीक है तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्या बनाया स्टार्ट इंजन जो कि और जैसे हम किसी कार को एक्सटेंड करेंगे जैसे हम कार को इनहेरिट करेंगे हमें इन फंक्शंस को बनाना ही पड़ेगा तो ये एक इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है करेक्ट नाउ व्हाट आई कैन डू हम किया का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ठीक है आई कैन से के किया टू न्यू किया एंड देन आई कैन से के के डॉट डॉट स्टार्ट इंजन अब जब मैं इसको रन करूँगा ठीक है अब हम इसको रन करने वाले हैं तो क्या होगा तो स्टार्टिंग इंजन ऑफ किया ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हो ठीक है इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ तुम्हें फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है लेक्टर तो तुम्हारे पास ना यहाँ पर एक स्टार्टिक फंक्शन है स्टार्टक वॉर्ड स्टार्ट कार ठीक है ये बेसिक ये फंक्शन पता क्या करता है ये ना किसी भी कार को लेकर उसका स्टार्ट कर देता है इंजन तो ये यह, अब यहां पर क्या होगा या तो ये ये कार एक्सेप्ट करेगा करेक्ट अब या तो ये किया को एक्सेप्ट करेगा या फिर टोयटा को बट मैं चाहता हूँ ये किसी भी कार को एक्सेप्ट कर पाए तो वॉट आई कैन से कार ठीक है और ये क्या करेगा का? बेसिकली कार के ऊपर ना स्टार्ट इंजन को कॉल कर देगा विच इज़ ओके अब सी वॉट आई कैन डू आई कैन से स्टार्ट कार एंड इसके अंदर मैं के किया को पास कर सकता हूँ सी यहाँ पर हम कार पैरामीटर ले रहे हैं करेक्ट लेकिन यहाँ पर मैं पास क्या कर रहा हूँ किया को बिकॉज जो किया है वो बेसिकली इनहेरिट कर रही है किसको इनहेरिट कर रही है कार को तो बेसिकली आई कैन पास द किया क्योंकि किया पर एक कार है एंड उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्टार्ट इंजन ठीक है जिसकी यहाँ पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है ठीक है उसको हमने इंप्लीमेंट क्या किया अपने अपने गाड़ियों के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दिया टोयोटा ने अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दिया किया ने अपने अकॉर्डिंग अब जब मैं इसको रन करूँगा तो दोबारा से मेरे पास सेम आउटपुट आएगी ठीक है स्टार्टिंग इंजन ऑफ किया सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टोयोटा का बना हूँ ऑब्जेक्ट आई कैन से टोयोटा टी इक्वल्स न्यू टोयोटा एंड आई कैन से स्टार्ट द कार कौन सी कार स्टार्ट करनी है टोयोटा तो अब जब मैं इसको रन करूँगा Toyota, तो स्टार्टिंग इंजन ऑफ टोयोटा, ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड हाउ यू कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एंड अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हो तो उसके जितने भी एब्सट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है सो दैट्स हाउ यू कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन कोड तो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्सट्रैक्शन इन वन वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे से एब्सट्रैक्शन समझ आ गया होगा आपको एब्सट्रैक्शन वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा एब्सट्रैक्शन होता क्या है सो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले नेक्स्ट पिलर की दैट इज पॉलीमोफिजम सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटल देट ब बाय टेक केयर